आएंगी मैडम कंचन ठाकुर जी। कंचन ठाकुर जी को रिक्वेस्ट करवाना चाहेंगे और अपना शॉर्ट में एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे साथ शेयर करेंगे। माननीय अतिथिगण, हमारे जिन योगा साथियों और अष्टांग से आए हुए सभी लोगों का मेरा सादर प्रणाम और हरिओम। मेरी जो यहाँ की यात्रा है बड़ी ही अद्भुत रोमांचक है। मैं थोड़ा सा समय शायद ज़्यादा लूँ सर से, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मेरे लिए सबसे पहला प्रयास था कि गुरु मंत्र, सब पूछते थे गुरु मंत्र लिया क्या तुमने, गुरु मंत्र लेना चाहिए, निगुड़ा नहीं रहना चाहिए। तुम्हें पता नहीं अभी तक तो मुझे कोई गुरु मिले नहीं है। सब कहते थे गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप लो जो गोविंद दियो दिखा। तो ये गुरु तत्व क्या है, गुरुतर है, उच्चतर है, श्रेष्ठतर है, सारी चीज़ें मेरे मन में थी। मैं बहुत दिनों से, कुछ दिनों से ये कोरोना के टाइम में और घर में सब बैठे तो मुझे लगता था दिन गया रात गया, क्या कर रही हूँ मैं, किस लिए संसार में, बहुत सारी बातें जो मेरे मन में आ रही थी। बहुत घबराहट, इमोशनली भी बहुत इम्बैलेंस हो रही थी, बहुत थॉट्स आ रहे थे। और हम यहाँ मार्च में यहाँ से गए अष्टांग में, 10 दिन रखे गए, सर का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं बोला ये सर अब क्या ये बना के रखे हैं, ये खंड 4 खंड 3 खंड 2 आई, ये सब आज तक मैंने कही, क्योंकि मेरी माँ बचपन से ही, मैंने जब 5 साल की उम्र से वो भजन कीर्तन सामवेद ऋग्वेद ये सिर्फ पुराण पढ़ो, हम लोग को होमवर्क मिलता था कि ये हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा आज संडे का तुम्हारा होमवर्क है, नहीं तो फिर तुमको ये मिले वो ऐसा। फिर पिताजी मेरे, अब जब सर के इनके निरीक्षण में और इस कोर्स के दरमियान मैंने महसूस किया कि मेरे पिताजी सच में एक उन्नत साधक थे। वो कहते थे सारे महापुरुष इस संसार में जो भी हैं उनके लिए 48 घंटे नहीं होते हैं, जो तुम कहते याद नहीं हुआ, क्यों याद नहीं हुआ। और भोजन, अति भोजन मत करो, निर्धक 4 बजे हमें उठाते थे, साथ में बैठ के पढ़ाते थे, रात को भी 10 बजे। तब हमें बड़ी ये चीज़ अप्रिय लगती थी और मुझे तो रात में 2 बजे तक जाके चुप के किताबें पढ़ने का बड़ा शौक, छोटी सी लाइट जलाई चुप के पढ़ती थी। और सुबह मुझे बहुत नींद आती थी, वो नींद की आज जो मैंने वो गलत प्रयास किया और रात में जागने की उसकी भरपाई मेरे शरीर ने मुझे दिखाया कि मेरे पैरों की तकलीफ, मेरे पेट, और मुझे लगा पता नहीं मैंने कितने पाप किए हैं और क्या पाप किए हैं। और इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत काम किया, इतनी तकलीफें मुझे क्यों हो। मैं किसी बड़े समाज सुधारक इनसे अपनी तुलना नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी। मार्च में यहाँ आई, उसके बाद ये कोरोना का लॉकडाउन हो गया। सर से मैंने बोला, सर भाग रहे थे इनके, ये तो सर प्लैनेट के सबसे व्यस्तम आदमी है, इनके पास वो समय नहीं है, पीछे पीछे भागी इनके। सर ये बताइए आई या सब आज तक मैंने कहीं नहीं सुना और ना मैंने कहीं पढ़ा है क्या। तो इन्होंने बताया, मेरे सर ऊपर ऊपर गया, मुझे लगा अच्छा अच्छा कुछ भावनाओं का है। फिर ये किताब मेरे माध्यम से, ये किताब सर मैंने मेरी, फिर मेरी जो ननद भाईंदर में रहती हैं उनके माध्यम से मुझे पता चला कि ये कोर्स हो रहा है। तो बोले जाइए भाभी, जरूर आप ज्वाइन कीजिए, आपकी जो भूख है वो आपको मिलेगी। तो मैं बोला ठीक है, भूख सर से बात हुई, सर बोले नहीं आप मत समझना कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, सो ये अलग चीज़ है, अलग है, आप पहले किताब पढ़ो, अपने आप को लगता है कि मैं इसकी काबिल हूँ तो आप आना, मत लेकिन उसके नहीं तो मत आना। बोला नहीं सर थोड़ा सा समझ पा रही हूँ। फिर मैंने बुक के पन्ने पलटे, ऊपर 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 कहीं ले जा रहे हैं। फिर मुझे लगा रहे मैंने तो मनोविज्ञान से एमए किया है तो चलो ये चेतना वाला अध्ययन पढ़ते हैं, चेतना अवचेतना अचेतन अवस्था। फिर वहाँ में उलझ के रह गए, नींद, चलो नींद भोजन बहुत मुश्किल है, भोजन नियंत्रण। और मेरे घर में फौजी साहब जो खाने के बड़े शौकीन है, हम बोले कुछ मत लाओ, 4 थैला रोज भर के ला गए, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर नींद की कमजोरी मेरी, गुस्सा मेरे अंदर भरा पड़ा क्योंकि मेरे अनुसार चीजें नहीं होती है। तो मुझे लगा कि पहले तो मेरे ऊपर काम करनी है, ये किताब जरूर मुझे उस उन्नत अवस्था तक ले जाएगी। और मैं आपसे भी माफी चाहती हूँ कि आपके रूम में रहने का सौभाग्य मुझे मिला और जो आपका पहला हक था उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और शायद इस जगह की सबसे
कोने पर बैठ करके जो मुझे वहाँ टावर्स में रहने के वजह से धूप नहीं मिलता है, यहाँ मैं धूप में बैठी और मुझे बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई, ध्यान लगा, जिसके लिए मैं ध्यान करो ध्यान, किसी ने ये नहीं बताया कि पहले तुम अपने शरीर का शोधन करो, यह प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन किसी ने आत्मा को ढूंढो, परमात्मा के पास जाना है, ध्यान करो, कैसे करो, ये विधि आपकी, वही सर कल भी हम बात कर रहे थे कि आप सोचेंगे कि कहीं प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, लेकिन एकदम बैलेंस है, तकनीक भी है, विज्ञान ज्ञान के साथ, और जैसे सबने कहा कि हंसते खेलते, और हम अपने भावनाओं को अब हमें ऋषि मुनि बना रहे हैं, ड्रिफ्ट वॉचिंग करवा रहे हैं, पहले तो पता लगता था क्या है ये, नहीं है, उसके बाद जो आनंद उठाया है मैंने इस कोर्स के दौरान, मुझे लगता है कि उस जगह पर कुछ है जो मेरा ध्यान लग रहा है, सर मुझे ना भेजे, मैं यहीं रहूं एक महीने, इनसे मैंने बोला अभी अनुरोध भी किया कि किसी कोने में रहने दीजिए, लेकिन मैं यहीं थोड़े दिन रहना चाहती हूँ, कहीं मैं उस फिर उस दुनिया में जाके सब भूल ना जाऊं। और सबसे बड़ी बात है, मैं सुबह जो सवाल लेती थी उसका जवाब लेक्चर के दौरान, ये जो प्रकट होते हैं वो आप सब देखेंगे, ये कोर्स करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा, और आपके सारे मेरे सवाल, मुझे लगता है सबके सवालों का जवाब उस दरमियान हमें मिलता था, और आज जो उन्होंने फिर मूल बताया, अब सूरदास है आंख नहीं है, फिर भी सूरदास को ज्ञान था, उनको अपने भावनाओं पर नियंत्रण था, मंदिर रोज जाते थे, सब बोलते मंदिर आप क्यों जाते हैं, आप तो देख नहीं पाते, कहते मैं ही नहीं देख पाता हूँ, लेकिन एक जो परम सत्ता है वो तो मुझे देख रहा है ना, तो ये अपने भावनाओं का नियंत्रण है, और अपनी अपूर्णता, जो हमारे शरीर में अपूर्णता थी, उनकी आंख नहीं थी लेकिन उसकी पूर्ति करते थे शरीर में, वो संतुलन बनाते थे, जो सर ने हमें सिखाया कि आई को कंट्रोल करो, बौद्धिक है आपका, अपने आवेगों पर कंट्रोल करो, अपने संवेदनाओं पर कंट्रोल करो, और गतिशीलता, जो हम अनावश्यक गतिशीलता करते हैं, और मैं जो अनावश्यक 2-3 घंटे सोती रहती थी, अगर मैं उस 3 घंटे को निकाल लूं अपने, क्योंकि अपने रूटीन में डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं आपका बीपी ये रहता है, आपको इतनी परेशानियां हैं, आपको अच्छे से सोना है, जब आपको नींद आए, कोरोना का टाइम है, आप 8 घंटे का नींद लें, लेकिन जो मैंने यहाँ अनुभव किया है कि 5 घंटे की नींद या 6 घंटे की नींद, वो बहुत ही मैं इतनी पॉजिटिविटी आई है, मैं सारे व्याख्यान तो सर ने बता दिए, और आप सब कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100% से वो ड्रिफ्ट वॉचिंग ने मुझे इतना दिया कि जैसे आपका ये स्थूल शरीर है और आप सूक्ष्म शरीर पर कैसे जाएंगे, हो सकता है, ये मेरा अनुभव है कि जो सर ने कहा मैं उनसे एकदम सहमत हूँ कि हमें सिखा रहे स्थूल शरीर है, पर इसको ठीक करना पड़ेगा ना मम्मी, इसको कैसे, मेरे ही मन में इतने विचार बोलूं तो मैं शुरू हो जाती हूँ, 1 घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन ये भी बुरी आदत है, गलत है, इस पे भी हमें कंट्रोल करना है, अपने आवेग पर कंट्रोल करना है, जो सर ने सूत्र बना बताया कि भोजन, मुझे पता नहीं था खाते से हमारे ऊतक बनते हैं, जैसे इंजेक्शन हमारे शरीर में जाता है और तुरंत हम ठीक हो जाते हैं, ये हमें नहीं पता था, आज यहाँ पता चला, तब से मैंने मौन रखना शुरू किया, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे, जो हमारे प्रथम गुरु हैं, कहते थे तुम हटाओ इसको, ये बंद करो, मोबाइल साइड करो, बोलो मत, चुप रहो, शांत रहो, मैंने उन गुरु जी की बात नहीं सुनी, लेकिन अब सर की बात मैं सुन रही हूँ, पालन कर रही हूँ, कि शरीर को पहले शुद्ध करेंगे, अपनी पुरानी जो भंगी है, सारे जो हमारे पेट के अंदर है उनको थोड़ा रेस्ट देंगे, कि जिससे कि हमारे नई कोशिकाओं का उत्कम का निर्माण कर पाए, और जो हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंज है, जैविकीय चेंज है, इंद्रियां, जर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जो सब हमारे लिए काम कर रहे हैं, सबको थोड़ा सा विराम दें, सबके बारे में सोचें। सर ने बहुत ही कल सुंदर एक शब्द बोला कि पहले अपनी सेवा करो, मैं सोशल वर्कर हूँ, टीचर हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर, बहुत कुछ करके जब यहाँ तक आई, अब मुझे लगता है कि सच में कोई समाज सेवा मैं नहीं कर रही थी, जब मैं खुद को नहीं संभाल पाई, जो मुझे जो दिया गया ये अमोल, को कबीर की जो लाइन है जीनी जीनी है, आज उसका अर्थ मुझे पता चला कि कबीर जी को जैसा शरीर दिया गया था उन्होंने वैसा ही प्रकृति को रिटर्न किया, और उसमें कुछ दाग नहीं लगने दिया, मतलब उन्होंने योगी की तरह उसको मन उस पर काम किया, जो मैं आज से जरूर करूंगी, ये मेरा चित्त है। और जो मुझे गुरुदेव मिले हैं, उनके
अरे छोड़ो, गुरु तो मिल गया ना आपको किताब के स्वरूप में। अरे बस बस।